हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 21 एंड 22 सितंबर से है। ठीक है दोस्तों, चलिए एस यू नो कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पहला एक पर्पस है कि जो भी मेंस के लिए हमें एग्जांपल मिलती है वैल्यू एडिशन आंसर राइटिंग में वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस द वेरियस करंट अफेयर फ्रॉम एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड आईआर। दोस्तों चलिए पहले मेंस वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट यूथ, है ना, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंट है तो कैसे, अगर सपोज करो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो डिस्कस करता हूँ जहाँ पे यूपीएससी आपको मेंस में क्वेश्चन पूछ सकती है। एक तो पूछ लेगी ठीक है कि जो ड्रग एडिक्शन है ना, ड्रग एडिक्शन इसके ऊपर क्या हमें इसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, आपने बोला कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स और ये सारा हमें देखना पड़ेगा, गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट, ये सारा हमें इसको टैकल करना पड़ेगा। देन एजुकेशन लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो यूथ है उसको किस तरफ लेकर जा रहे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएंगे ठीक है, ताकि हेल्थ उनकी ठीक रहे। अब स्पोर्ट्स की तरफ जब आप लेके जाओगे तो इट मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ तो वहाँ पे मोटिवेशन चाहिए। तो वही मोटिवेशन है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो पैरालंपिक्स विनर्स हैं इनके म्यूरल्स यहाँ पे दिल्ली के अंदर, अब दिल्ली जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नॉर्थ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, उसने हेल्प की है और साथ में जो टीम थी दिल्ली स्ट्रीट आर्ट की। तो ठीक है, अब देखो इससे मोटिवेशन आती है बाकी लोगों के अंदर भी, हम भी इसके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ करें। इस एंगल से आप ये एग्जांपल नोट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर यूपीएससी ऐसा ही पूछ लेती है ठीक है, ओलंपिक्स के अंदर हमारे मेडल्स आएँ तो उसके अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली फिर तो ये एग्जांपल आएगी कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली ये किया, तो फ्यूचर के अंदर हम और भी मोटिवेशन जनरेट कर सकते हैं ताकि हमें मेडल और भी मिले। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रैंकिंग है ना, जब यूनिवर्सिटी रैंकिंग करते हैं कि भाई कौन सी नंबर 1 पे है, कौन सी नंबर 2 के ऊपर है, तो हमने जब NIRF की रैंकिंग की थी वहाँ पे मैंने बताया था कि जो इंडिया की रैंकिंग है वो थोड़ी सी अलग टाइप से है। जो फॉरेन वाले जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग देते हैं वो पीयर जो उनका ओपिनियन है ना, जो उसके ऊपर बहुत मैटर करता है कि मान लीजिए जो लोगों के व्यूज़ कैसे हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो परसेंटेज देते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, अब इंडिया में जो रैंकिंग है और जो रिसेंट 2-3 जो उन्होंने रैंक दिया है उसको अगर हम देखें, इंडेक्स को देखें, तो हमें एक बात पता चलती है। वो बात क्या है कि अगर जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, अगर मान लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर आप ज़्यादा जो जैसे कोई यूनिवर्सिटी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी पैसा खर्चती है, उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ हैं और उन फैकल्टीज़ की जो सैलरी ज़्यादा है, अगर ये 3 काम कर दिए तो उस यूनिवर्सिटी का रैंक जो है वो हाई देखा गया है। सो इट मीन्स के जो आप फंड कर रहे हो वही आपकी रैंकिंग में अंदर दिख रहा है। ऐसा बहुत ज़्यादा आउटकम के ऊपर मैटर नहीं करता इतना, जितना भी आपका जो ये सीधा सीधा फंडिंग के ऊपर करता है। अब यहीं पे एग्जांपल इसको हम जस्टिफाई करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये 30% वेटेज देता है जी रिसर्च परफॉर्मेंस को, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी की। टाइम्स हायर एजुकेशन ये देता है 60%, ठीक है जी। उसके बाद अकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ये इसकी ऑलमोस्ट जो रैंकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। अब बात करते हैं NIRF जो थी, इसने क्या फाइंडिंग की। इसने ये बोला, मैंने ऑलरेडी बताया कि जो सैलरी ऑफ स्टाफ है अगर हाई है तो आपकी रैंकिंग भी हाई आएगी। दूसरा, जितना ज़्यादा रिसर्च स्कॉलर हैं ठीक है, उनके हायर रैंक है, उनका नंबर भी ज़्यादा है, उतना ज़्यादा हायर रैंक मिलता है ठीक है। और ये एग्जाम्पल से देखा भी जा सकता है। जो रिसेंटली जो यूनिवर्सिटी ने टॉप किया उसका जो स्कोर है वो 92.6 है रिसर्च की कैटेगरी के अंदर, और जो 10th है उसका 60.5। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारा जो रैंकिंग के अंदर वो दिखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसके आगे एग्रीकल्चर का, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बात करते हैं कि देखो अगर आपने देखा फार्मर प्रोटेस्ट से लेके हम क्रॉप के ऊपर बात करते हैं, क्रॉप से इनकम मिलती है ना, उससे जो फार्मर्स के सर्वाइवल है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हम क्रॉप इंश्योरेंस की बात करते हैं, हर एक चीज़ की बात करते हैं। लेकिन NSO का डेटा क्या बोलता है, NSO का जो डेटा बोलता है वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। जो सिनेरियो हमें देखने को मिलता है, जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनके हाउस होल्ड की इनकम की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, उनकी अगर बात करें तो यहाँ पे 10,218 इतने हैं 2018-19 जुलाई जून का जो हमें सर्वे देखने को मिला। यहाँ पे सिर्फ जो मंथली इनकम है अराउंड 10,218 रुपये है। अब इसके अंदर अगर मान लीजिए फार्मर है ना, इट मीन्स कि क्रॉप का जो मेजर चंक होना चाहिए सैलरी के अंदर, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो हार्डली 3,500 के आसपास मानो। जो एनिमल से है ना, जैसे किसी ने डेयरी वाला काम कर लिया और साथ में कुछ ना कुछ करता रहा, उसकी है 1582, ठीक है। अब जो क्रॉप प्लस एनिमल दोनों मिला के उसकी बनती है 53%। इट मीन्स कि अगर फार्मर की हम बात करें तो क्या 53% सिर्फ और इनकम उसकी क्रॉप एंड एनिमल से आती है। इवन जो क्रॉप से वो और भी कम है ना। सो इसका मतलब क्या है कि फार्मर जो है वो अल्टरनेटिव सोर्सेज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए घर के अंदर, हाउस होल्ड के अंदर इनकम है, बच्चा जॉब कर रहा है कहीं, उस वहाँ से इनकम आ रही है, कुछ ऐसा इनकम आ रही है। अब इट मीन्स के जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी करंट जो क्रॉप के ऊपर भी जितनी इनकम आती है, अगर हम मान लीजिए वो ठीक भी कर दें तब भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो साइमल्टेनियसली हमें अल्टरनेटिव, जैसे मान लीजिए एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर काफ़ी फोकस दिया, उसके अलावा वैल्यू एडिशन के ऊपर काफ़ी फोकस करें, ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा दोस्तों, तभी अपना आंसर निकलेगा। अब ये डेटा आपका जो पेपर 3 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये डेटा आपका लगेगा ही लगेगा। अब फार्मर प्रोटेस्ट है तो आपका ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रिंस यादव ने कोई क्वेश्चन पूछा है, मैं देता हूँ आंसर देता हूँ आपका, ठीक है जी। अब यूएन रिपोर्ट की बात करते हैं। ई वेस्ट तो यूएन ने एक रिपोर्ट दी है, दुनिया के अंदर भी, दुनिया के अंदर सिर्फ 17.4% जो है, ठीक है, इतना ही जो ई वेस्ट हम कलेक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सुनामी ऑफ ई वेस्ट, ये बोला है अभी रिपोर्ट में। तो इंडिया के अंदर क्या हाल है, इंडिया के अंदर 30 किलो टन जो ई वेस्ट जनरेट होता है, और ओनली 30 किलो टन, तो उसका आप परसेंटेज वहाँ पे निकालो। हार्डली 1% जो है पर कैपिटा हम कलेक्ट करते हैं। तो इट मीन्स के बाकी सारा ई वेस्ट जो है, अब ये डिग्रेड भी नहीं होता इतनी जल्दी, सॉइल के अंदर जाएगा, फिर पानी के अंदर जाएगा, फिर वहाँ पे घुल के हमारी बॉडी के अंदर आएगा, है ना। तो ये सारा फूड चेन के अंदर अक्यूमुलेट होता रहता है। कुछ शहर हैं जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, इनके अंदर थोड़ा बहुत जो रिसाइकल कलेक्शन होती है। अब ये टॉपिक, अब ये आपको पता चल गया। अगर मान लीजिए आपको म्यूनिसिपल के ऊपर क्वेश्चन आता है कि म्यूनिसिपल के अंदर जो हमारा जो लोअर बॉडीज़ है ना, उसके ऊपर जो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि भाई उनकी वर्किंग कैसी है, तो कलेक्शन वगैरह है यहाँ पे, तो इनके मेजर रोल है, लेकिन क्या ये पूरा हो रहा है, नहीं, तो वहाँ पे आप भी एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। अगर एनवायरनमेंट के ऊपर आता है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर स्टेट, सेंटर एंड या फिर स्टेट और लोकल बॉडीज़, इनका कोऑर्डिनेशन की बात करें, वहाँ पे भी एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। तो एग्जांपल जो होती है दोस्तों, या डेटा, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारा करना है, लेकिन आपको एक ही डेटा को किस तरह मोल्ड करके अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर ऐड करना है, ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए दोस्तों। फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें, अब जम्मू कश्मीर बना भाई, तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ, पहले रिपोर्ट्स आई काफ़ी, उन्होंने बोला बहुत सारे ट्राइबल लोग, जो ट्राइब्स हैं वो एक फॉरेस्ट एरिया के अंदर रहते थे, उनको गवर्नमेंट ने इलीगल ऑक्यूपेशन कह के वहाँ से निकाल दिया, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट चलती रही। अब जम्मू कश्मीर के अंदर फिर ट्राइब्स की जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने की बारी थी, तो अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमने पहले भी 2 बार किया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को जो शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर, इनके जो इनको राइट देना, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, कोई कुछ ट्राइब्स हैं वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर रहते हैं, होगा क्या, अब एक तो देखो वो फॉरेस्ट, वहाँ से जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तेंदू पत्ता वगैरह, वो फॉरेस्ट से क्लीन करते हैं, उसको लाते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर आप रोड के ऊपर जा रहे हो, साइड के ऊपर बहुत सारे है ना ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, उन्हीं से जो छोटी छोटी जो फॉरेस्ट से कम जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उससे वो बनती हैं। अब इनका क्लीनिंग क्यों ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, वो सॉइल के ऊपर पड़ी रहेंगी, ड्राई हो जाएंगी, तो फॉरेस्ट फायर के चांसेस रहते हैं। तो इट मीन्स के जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो एनिमल कंजर्वेशन की बात करते हैं है ना, चाहे वो ब्लैक बक हो, लायन हो, इनकी कंजर्वेशन काफ़ी अच्छे से करते हैं, तो इनका राइट प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, इसीलिए लाया गया था 2006 वाला एक्ट। लेकिन क्या उससे पहले, अब यूपीएससी पूछ लेती है भाई उससे पहले कुछ था इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर ब्रिटिश ने काफ़ी ज़्यादा डिवर्ट किया था फॉरेस्ट को, ये तो हमें पता है। लेकिन उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 आया, लेकिन इसको भी हार्डली फॉलो किया गया। फिर पॉलिसी है ये अपनी 1988, यहाँ पे बोला कि फॉरेस्ट एंड कम्युनिटी, इन दोनों का रिलेशन है। अगर यूपीएससी मान लीजिए ये पूछ ले कि जो फॉरेस्ट एंड कम्युनिटी, इसका जो बेस्ट सिम्बायोटिक रिलेशन है वो कौन एस्टेब्लिश करता है। तो आपको एग्जांपल आ गई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दैन नेशनल पार्क्स, है ना, दैन कंजर्वेशन रिजर्व या कुछ ऐसा, या बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे आंसर आएगा अपना बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि इसने फॉर्मली इसको एक्नॉलेज किया था कि जो कम्युनिटी एंड जो फॉरेस्ट है इन दोनों का एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, दे हैव टू लिव टुगेदर। ठीक है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है। उसके बाद फिर ये कुछ तो पॉलिसी आ गई, फिर बाद में 2006 के अंदर एक्ट आया। इसने बोला कि जो लोग हैं, जो अगर मान लीजिए आपने कोई डेवलपमेंट प्लान सेटअप कर दिया, आपने कोई फॉरेस्ट एरिया क्लियर करना है, वहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं उनको जो रीसेटल करना पड़ेगा आपको, और उनको जो भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो 2006 एक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो आपने ध्यान देनी है, यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन घुमाती है। पहली बात तो यूपीएससी बोले कि अकेला जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए नहीं, ये बाकी जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके लिए भी है, दोनों के लिए है, पहली बात। दूसरा, अब किसको राइट मिलेगा, एक तो वहाँ पे रहता हो, दूसरा एटलीस्ट 3 जनरेशन, जब 2005 से पहले मतलब 75 ईयर तक वहाँ पे रहता होगा तभी उसको राइट मिलेगा। मेजर राइट्स की क्लासिफिकेशन जो है, एक है टाइटल राइट, कि मैक्सिमम मान लीजिए कोई एक एग्रीकल्चर किसी के पास लैंड है, उसको कल्टीवेट कर रहा है बहुत टाइम से, तो उसको मैक्सिमम 4 हेक्टेयर वहाँ पे दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, मान लीजिए किसी के पास ज़मीन है नहीं तो उसको नई लैंड नहीं मिलेगी। ठीक है, सो नो न्यू लैंड विल बी ग्रांटेड। ये आपने 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। उसके बाद आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह है, आप उसका कुछ ना कुछ बना के मार्केट के अंदर बेचो, वो आपके लिए राइट है, तो यूज़ राइट यहाँ पे है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो आपको रीहैब करने की वहाँ पर फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी बोला गया कि आप अगर एनिमल स्पीसीज है उसको आपने मैनेज करना है, या फिर आपने फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करना है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट का रोल भी एक ट्राइब को यहाँ पे मिलता है दोस्तों। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट के अंदर देखें, मैंने स्टार्टिंग में अंदर बताया कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको राइट मिलेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा हमें एविक्शन के केसेस भी मिले हैं कश्मीर वैली से लेकर जम्मू कश्मीर रीजन तक, वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है जो फॉरम ऑफ ह्यूमन राइट जम्मू कश्मीर है, इसने बोला बहुत सारे जो वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर्स एंड बकरवाल हाउसेज हैं उनको वैसे ही डिमोलिश कर दिया गया, और वहाँ पे कोर्ट ने बोला, और जो फोरम है बेसिकली जिसको फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज चेयर कर रहे थे, उन्होंने बोला कि दिस इज़ अगेंस्ट द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बोला बिल्कुल ठीक है जी, नाम ने बोला कि ई वेस्ट लार्जली इनफॉर्मल, बिल्कुल सही है। प्रिंसी ने पूछा है कि सर स्टैटिस्टिक्स जीके के लिए बुक्स बाय कर से नोट्स बना के स्टडी करना है या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स से स्टडी करना है अच्छा होगा। देखो जो आपकी मेन बुक्स हैं, जैसे आपकी पॉलिटी पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत है ना, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक बुक है आपको जो भी आपको अच्छी लगती है, स्पेक्ट्रम है जो, या कोई और आपको जो भी ठीक लगती है एक बुक, वो एक बुक आपको बेसिक तो खरीदनी है, उसके अलावा कुछ नहीं खरीदना। उसके अलावा जो भी है वो आप नोट्स ले सकते हो, किसी के हर एक इंस्टीट्यूट के अवेलेबल है, वो आप ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन बेसिक बुक आपकी रहेगी। होता पता क्या प्रॉब्लम क्या है, जब आप बेसिक बुक से पढ़ते हो वहाँ पर मान लीजिए 4 पॉइंट दिए, अब दूसरे ने नोट्स बनाए वो 2 पॉइंट देगा, वहाँ पर 2 पॉइंट आपके मिस हो गए, और वो आपको यूपीएससी के अंदर जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप मिसगाइड हो जाते हो आप, क्योंकि आपने पढ़े ही 2 हैं, आपको लगता है थे ही 2। ऐसा नहीं करना, आपने बेसिक बुक जो है एक वो ज़रूर खरीदनी है, एक से ज़्यादा नहीं खरीदनी, मतलब लाइब्रेरी नहीं हमने खोली दोस्तों, बस एक बुक है, एक बुक को ही जितनी बार पढ़ना है बस उसी को पढ़ना है। सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन, मुझे आपने एक क्वेश्चन बताना है क्योंकि मैंने बताया हुआ है। ऑयल स्पिल है, ऑयल स्पिल को रिमूव करने के लिए कुछ बैक्टीरिया जनरेट किए थे, ठीक है, वो कौन से हैं। अब यहाँ पे जो आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया है, ठीक है, इन्होंने एक सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन बनाया। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, अगर मैं बोलूँ हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, है ना। इट मीन्स के जैसे आप कॉटन जो नॉर्मल कॉटन है उसको आप पानी में डुबोते हो तो क्या होता है, वो पानी को सोख लेती है ना, वो क्या है हाइड्रोफिलिक, है ना, पानी को सोख लेगी। अब ये वाली कॉटन पानी को नहीं सोखती, ये हाइड्रोफोबिक है, फोबिक मीन्स रिपेल करेगी ये पानी को, ठीक है। मतलब इसको आपने जैसे कोई पानी है वहाँ पे ऑयल काफ़ी गिरा हुआ है ना, अब आपने वहाँ पे इसको लगाया तो क्या होगा, ये पानी को नहीं अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगी, क्यों, क्योंकि भाई हाइड्रोफोबिक है, लेकिन ऑयल को करेगी। ठीक है, ऑयल को करेगी। इससे क्या होगा, जो ऑयल स्पिल है उसको हम रिमूव कर देंगे। इसके अंदर मेजर रोल जो प्ले किया है दैट इज मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, मतलब जो इस टाइप का ऐसे फ्रेमवर्क होता है एंगल के ऊपर जो मेटल का। अब इसकी स्पेशलिटी होती है कि अगर मान लीजिए आपने गैस को सेपरेट करना है तो ये अलग से एब्जॉर्व करता है उसको, अगर आपने ऑयल को सेपरेट करना है अलग से एब्जॉर्व करता है। यहाँ पे देखो ये ऑयल है, ये वाटर है ना, इसके अंदर जो जाता है तो यहाँ पे इसके अंदर जो फिल्टर है, अब ये क्या करता है कि सिर्फ ऑयल देखो यहाँ पे नीचे अंदर जा रहा है लेकिन आपका जो वाटर है वो बाहर ही रह रहा है। ठीक है, यही काम है इसका जिसको ये ऑब्जॉर्व करता है। ठीक है दोस्तों, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का आपका ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्टिव सेपरेशन होती है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ यहाँ पे करने की बात नहीं। सी ककम्बर, इंडियन कोस्टल गार्ड ने अभी रिसेंटली जो यहाँ पे जो बैन है, सी ककम्बर बेसिकली एनिमल है, इनवर्टिब्रेट। ठीक है दोस्तों, इसका तमिलनाडु के अंदर स्मगलिंग, इसकी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा, जैसे चाइना के अंदर बड़ी डिमांड है भाई, वहाँ पे इसको एज ए मेडिसन लेते हैं। ठीक है, मेडिसन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। अब वहाँ पे जब डिमांड होती है तो यहाँ पे क्या होता है, इलीगली आपने वहाँ पे उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं लोग, है ना, तो वहाँ पे उनको पकड़ना ज़रूरी है। अब यूपीएससी पूछेगी क्या ये इंडिया के अंदर बैन है या नहीं है, तो बैन है जी। सी ककम्बर इंडिया के अंदर एंडेंजर स्पीसीज लिस्टेड है अंडर Schedule 1। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1, मतलब इसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिली है। ठीक है दोस्तों, अब ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है जी, और ये बैंड मेराइन स्पीसीज है। बस ये 3 चीज़ें हमने ध्यान रखनी है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक और बात तो लक्षद्वीप ने जो सी ककम्बर की कंजर्वेशन के लिए जो वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन एरिया डेवलप किया है, तो वो अपनी आगे लक्षद्वीप आइलैंड, ये आपने एक ऐड करना। ओके, विष्णुओनिक्स, देखो अब ये स्पीसीज है। ठीक है, बेसिकली ये ऑटर है, ऑटर स्पीसीज। ठीक है दोस्तों, जो मैमल होता है कार्निवोरस मैमल। ठीक है, अब ऑटर स्पीसीज जो थी अब ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसके फॉसिल मिले तो पहले इसके फॉसिल मिले अपने हिमालयन रीजन के अंदर, तो तब इनको था कि ये साउथ एशिया के अंदर ही ज़्यादातर मिलती है, लेकिन अभी रिसेंटली ये मिले जर्मनी के अंदर। ठीक है, इट मीन्स कि ये हिमालयन रीजन से या फिर एशिया से, अगर मैं बात करूँ एशिया से कहीं ना कहीं ये यूरोप की तरफ, है ना, जर्मनी तक शिफ्ट हुई है। ठीक है दोस्तों, अब ये मतलब इसने ट्रैवल किया, क्योंकि यहाँ पे भी फॉसिल मिले थे पहले, उसके बाद यहाँ पे मिले, तो उन्होंने बोला कि कैसे किया होगा, इन्होंने बोला एल्प्स जो माउंटेन रीजन है यूरोप के अंदर, और ये वाला अपना ईरानियन जो एल्ब्रूस माउंटेन है, इन दोनों के अंदर उस टाइम पे गैप था, जिसकी वजह से जो वाटर था उसके थ्रू इसने पूरा ट्रैवल किया। एज सच ये ट्रैवल कैसे किया इसने, कैसे नहीं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने इसका जो मैप भी देखना है तो ये अपना इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन पेज के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन यूपीएससी के कंटेक्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी कंटेक्स्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ये स्पीसीज का नाम देगी आपको, और ये पूछेगी कि भाई ये वाली स्पीसीज के बारे में बताओ, ये है क्या ये मैमल है, बर्ड है, या कुछ ऐसा है, एक टाइप का क्वेश्चन ये। दूसरा, अगर डिटेल में पूछेगी तो वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके फॉसिल कहाँ पे, मतलब जो किस रीजन को बिलोंग करता था। तो ये दोनों हमने बता दिए। मिड साइड प्रेडेटर था, अब ये वाटर के ऊपर डिपेंड करता था, लैंड के ऊपर इतना चलता नहीं था, इसीलिए जो वाटर का रूट था उसी के थ्रू ये जर्मनी पहुँचा, ऐसा इन्होंने बताया। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, देखो अगर आपने मैगी का केस देखा था, है ना, उसके अंदर भी हमें एमएसपी क्या नाम था मुझे यार, मोनोसोडियम, नाम बताना किसी को अगर याद है तो। ठीक है, मोनोसोडियम कुछ करके वहाँ पे पाया जाता है, जो बेसिकली टेस्ट के लिए होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐड किया जाता है, ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कर दिया था, किसी लैब वाले ने ये टेस्ट करके बोला कि इसके अंदर ज़्यादा, तो उसके बाद वहाँ पे मैगी के ऊपर भी केस हो गया था। अब यहाँ पे जो फूड सेफ्टी है, जैसे डिफरेंट स्टेट्स हैं उसके अंदर क्या क्या वो रूल्स को कंप्लायंस करती हैं या नहीं करती, उनके अंदर जो इस चीज़ को एनफोर्स करने के लिए कितनी मैनेजमेंट, कितनी पावर्स हैं, कितने पर्सनल्स हैं, है ना, कितनी लैब्स हैं, ये सारे के ऊपर स्टेट का अलग अलग रैंक होता है। अब ये रैंक जो है बेसिकली कौन मेजर है यहाँ पे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पे इन्होंने अभी थर्ड फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज़ किया है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको यूपीएससी के अंदर अडल्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आप मेंस के अंदर ये कोड कर सकते हो कि जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है ये एक मेजर है जो स्टेट्स को थोड़ा सा पुश करता है कि अपनी इम्प्रूवमेंट करें। और इससे क्या होगा, इससे जो फूड प्रोडक्ट के अंदर अडल्ट्रेशन कम होगी, टॉक्सिक कम होंगे, उससे क्या होगा, हेल्थ अपनी इम्प्रूव होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इन्होंने रिलीज़ किया, तो यहाँ पे इन्होंने ऑल्दो यहाँ पे ऑल्सो यहाँ पे 19 फूड टेस्टिंग जो वैन्स है, मतलब जो मूवेबल हैं, उनको भी यहाँ पे एड ऑन किया है। तो यहाँ पे इंडेक्स देखते हैं, एक लार्जेस्ट स्टेट्स है, एक स्मॉलर स्टेट्स। स्मॉलर स्टेट के अंदर जो 7 सिस्टर स्टेट्स है अपनी नॉर्थ ईस्ट है ना, वहाँ से असम को निकाल दो, उसके अलावा सिक्किम एंड गोवा, ये सारी स्मॉलर स्टेट कैटेगरी के अंदर आती हैं। लार्जेस्ट स्टेट के अंदर गुजरात का टॉप रैंक है, ठीक है, स्मॉल स्टेट के अंदर गोवा का टॉप रैंक है, यूटीज़ के अंदर जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये किसके बेस के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा। मान लीजिए कौन सी स्टेट के पास क्या ये डेटा पूरा है, प्रॉपर है, जो फूड स्टैंडर्ड्स के ऊपर कंप्लायंस, जो भी हमारा रेगुलेशन है उसको कंप्लाई करती है नहीं करती, फूड टेस्टिंग फैसिलिटी कितनी है ना। इंडिया के अंदर तो वैसे ही बहुत कम है। इसके अलावा ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग क्या वो स्टेट कर रही है। देन कंज्यूमर एम्पावरमेंट है ना, ये कुछ यहाँ पे 5 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर ये डेटा हमें निकालते हैं, इंडेक्स निकालते हैं। अब FSSAI हमने काफ़ी बार पहले भी किया, स्टैट्यूटरी बॉडी 2006 के एक्ट के अंदर बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इसका काम क्या है, जैसे मान लीजिए फॉरेन से क्या GM प्रोडक्ट आएगा, फूड के अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म कितना होना चाहिए कितना नहीं, उसको देखता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर भी के फूड के स्टैंडर्ड्स क्या हैं उसको भी देखता है ना। तो यहाँ पे सॉल्ट कितना होना चाहिए, ट्रांस फैट के ऊपर अपनी गाइडलाइंस देता है। तो अलग अलग, अब देखो ये चीज़ हमने अभी रिसेंटली जो रिविजन सीरीज़ के अंदर की थी, आर नॉट वैल्यू। मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, आगे चलते हैं। ये है कर्व, ठीक है, पूरी मतलब यहाँ पे आपका जो कोविड के केसेस राइज हुए और यहाँ पे अपने कोविड के केसेस डिक्रीज हुए है ना दोस्तों। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आर नॉट वैल्यू आपकी हाई होगी, यहाँ पे आर नॉट वैल्यू आपकी लेस देन 1 होगी, इतना मान लो। इसका मतलब क्या, आर नॉट वैल्यू जो रिप्रोडक्शन नंबर है कि एक इंसान कितने लोगों को कोविड कर सकता है। मान लीजिए एक इंसान को कोविड है, अब उसके आसपास में कितने लोग हैं जिनको कोविड हो सकता है। लेट अस सपोज अब ये आर नॉट है 5, ठीक है, इट मीन्स एक इंसान कितने लोगों को करता है, 5 लोगों को। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रेस करेगी। मान लीजिए एक को कोविड हुआ, अब वो 5 लोगों को ट्रेस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उसमें से 4 ट्रेस हो गए, लेकिन उनको एक नहीं हुआ, तो वो एक आगे 5 को कर देगा। अब गवर्नमेंट के पास इतना, अब आगे 5 को कर देगा है ना। लेट अस सपोज गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक को कोविड हुआ, उसके बाद 3 जो है लिंक एस्टेब्लिश कर लिए, ट्रेस कर लिए, 2 बचे, 2 5 को कर देंगे है ना। 10 को हो गया, गवर्नमेंट नेक्स्ट डे फिर 3 पकड़ेगी, फिर 7 बच गए, 7 फिर 5 को करेंगे, 35। इट मीन्स के जब आर नॉट जो फैक्टर है आपका ज़्यादा होता है तो केस बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। तो उस टाइम पे कौन सी कर्व जो ऊपर को जाती है, यही जाती है। लेकिन जब जैसे अभी इंडिया के अंदर देखो आप, कोविड के केसेस बहुत ही कम हो गए, इट मीन्स आर नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये बहुत ही कम होगी, तभी तो यहाँ पे केस डिक्रीज हो रहे हैं ना। मतलब एक बंदा कितने को स्प्रेड करता है, तो यहीं पे डेटा है हमारे पास। इंडिया की जो है मिड सितंबर के अंदर 0.92, मतलब लेस देन 1 हो चुकी है आर नॉट वैल्यू। इसके अलावा जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु है, यहाँ पे स्टिल उनकी 1 है, ठीक है, मतलब केस उतने ही रहते हैं क्या ना, एक को स्प्रेड करेगा और धीरे धीरे अगर आप उसको ट्रेस कर लो। इसके अलावा जो बिलो 1 है दिल्ली एंड पुणे की, ये है इसकी एप्लीकेशन, ठीक है जी, कि कर्व को कैसे टर्न करना है। जब हेल्थ अपनी जो मिनिस्टर से लेके सेक्रेटरी से लेके ये सारे बैठते हैं, ये क्या देखते हैं कि आर नॉट फैक्टर क्या है, आर नॉट वैल्यू अगर आपकी उसको कम करना है हमने है ना। अगर मान लीजिए लेस देन 1 होगी तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे नीचे इसको ले आएंगे। MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे MSP याद आ रहा था, मैंने कहा यार ये नाम तो नहीं है, ठीक है। अब 3 फैक्टर के ऊपर आर नॉट वैल्यू डिपेंड करती है। एक तो नंबर ऑफ डेज इन्फेक्टेड पर्सन रिमेन इन्फेक्शियस है ना। मान लीजिए किसी को कोविड है, वो कितना टाइम इन्फेक्शियस रहता है, जितना टाइम रहेगा उतना ही थ्रेट होगा ज़्यादा, उतने लोगों को करेगा। ससेप्टिबल पर्सन, उसके पास में ऐसे कितने लोग हैं जिनको हो सकता है, ठीक है। तीसरा चांस के जो लोग हैं आसपास उनके पास उनको कितनी जल्दी हो सकता है, एक ने मास्क लगाया एक ने नहीं लगाया, तो जिसने नहीं लगाया उसको जल्दी हो सकता है, ये है चांस। लेक टंगनाइका, अब रिसेंटली, अब ये है क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है दोस्तों, ज्योग्राफी के अंदर आपको लोकेशन बेस भी आ सकता है। क्लाइमेट चेंज ये बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लेक के वाटर का लेवल राइज हो चुका है, जिसकी वजह से मेजर माइग्रेशन हो रही है। सो क्लाइमेट रेफ्यूजीज जी बोलते हैं हम क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेशन, ये इसके कंटेक्स्ट के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है क्योंकि यूएन ने भी इसके ऊपर काफ़ी इस साल लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 84% जो इंटरनल माइग्रेशन है अफ्रीका का, जो ईस्ट अफ्रीका रीजन जो बुरुंडी रीजन है, बेसिकली इसके अंदर देखा गया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा फ्लड, स्टॉर्म, लैंडस्लाइड यहाँ पे काफ़ी आए हैं और मेजर जो पॉपुलेशन है बुरुंडी की इसी लेक के ऊपर वहाँ पे रहती है। लेक की लोकेशन कहाँ पे है? ये लोकेशन है दोस्तों यहाँ पे लेक की, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, अफ्रीका की ग्रेट लेक। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़, जो लेक बेकाल है साइबेरिया के अंदर, ये है मोस्ट ओल्डेस्ट एंड मोस्ट लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम जो फ्रेश वाटर है, एंड सेकंड जो फर्स्ट डीपेस्ट, लेकिन जो तोंगिया है इन तीनों चीज़ों के अंदर सेकंड है। ठीक है, ये सेकंड है, मतलब सेकंड ओल्डेस्ट होगी, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम एंड सेकंड डीपेस्ट, लेकिन जो फर्स्ट है वो है लेक बेकाल। पहली बात, 4 कंट्रीज़ हैं, यूपीएससी यही पूछती है कि कौन सी कंट्री इसको टच करती हैं या क्या करती हैं, दैट इज़ बुरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। अब ये वाला जो ऐसा रिपोर्ट्स बोलती हैं कि जो ये लेक थी ये पहले आपकी जो नाइल रिवर से कनेक्टेड थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे वॉल्केनो रप्ट हुआ जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गई। आजकल ये कोंगो रिवर के बाद यहाँ से उसके पास जाती है, ड्रेन होती है और ये बाद में अटलांटिक ओशन के अंदर चली जाती है। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात करें, कौन रिलीज़ करता है? पहली बात तो इंडिया का रैंक क्या 46, मेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जब यूपीएससी बात करती है कि इंडिया के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 की बात होगी ना दोस्तों, यहाँ पे आपसे रोबोटिक्स से लेके सारी बातें हुई, वहाँ पे आपका यूज़ होता है इनोवेशन इंडेक्स कि आप कितने इनोवेटिव हैं, बाकी कंट्री तो बहुत ज़्यादा है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की बात होगी तो इनोवेशन इंडेक्स की बात होगी। अगर फ्यूचर जो इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होगी तो इनोवेशन की बात होगी। हर एक पॉइंट के ऊपर आपकी इनोवेशन की बात होती है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये रिलीज करती है और इंडिया का रैंक है 46। ठीक है, टॉप रैंक जो रिजर्व ही रहते हैं जैसे स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस, यूके, ये हर एक इंडेक्स के अंदर इनके पास ही रहता है, अपने पास तो आते नहीं है। इंडिया का जो रैंक है वो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन एशिया के अंदर अगर देखें तो सिंगापुर का 8 है, देन चाइना का 12 है, जापान का 13 है, हांगकॉन्ग, चाइना, तो ये कुछ ऐसे हैं जो इंडिया से ऊपर है। ठीक है जी, लेकिन ऐसा बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ यूपीएससी ये पूछ सकती है, मान लीजिए डिटेल में थोड़ा यूपीएससी 2-3 चीज़ें पूछेगी। वो बोलेगी एशिया के अंदर नंबर 1 है, वो स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट आती है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर नंबर 1 है, वो भी गलत है। तीसरी स्टेटमेंट आती है कि इंडिया का जो लास्ट कुछ सालों में जो रैंक है वो इम्प्रूव हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 81 है, 2015 में 46 है। और यूपीएससी पूछ सकती है कि पहले से रैंक बढ़ गया या कम हो गया, इस कंटेक्स्ट में आपको पूछा जा सकता है। इसके जो इंडिकेटर्स हैं 2 हैं, एक तो है इनोवेशन आउटपुट, कि आप आउटपुट क्या निकालते हो, नॉलेज टेक्नोलॉजी आउटपुट एंड क्रिएटिव आउटपुट। दूसरा इनपुट, आपने इनपुट क्या डाला, ह्यूमन कैपिटल, कितने इंसान लगे हुए हैं उसके अंदर, रिसर्च है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने कितना इन्वेस्ट किया। तो इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो आउटपुट के अंदर अच्छी है एज कम्पेयर टू इनपुट। ठीक है दोस्तों, ओके, तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। WIPO की बात करें तो ये स्पेशलाइज एजेंसी है UN की, ये हमें पता है IPR के ऊपर काम करती है। उसके बाद बात करते हैं रेल कौशल विकास योजना, ट्रेनिंग है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 10th पास है मान लीजिए, अब उनको ट्रेनिंग देंगे तो रेलवे के अंदर काम कर पाएंगे। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये कौशल विकास योजना स्टार्ट की है। यहाँ पे अराउंड 50,000 कैंडिडेट 3 साल के अंदर इनको ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में 1000 लोगों को किया जाएगा। अब मेनली इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर वगैरह इनको यहाँ पे इन कैटेगरी के अंदर ट्रेन किया जाएगा। ठीक है जी, 100 आवर्स का होगा स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन ये इतनी यहाँ पे एलिजिबिलिटी हमारे लिए ज़रूरी है। पहली बात तो ये फ्री ट्रेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब इनको सिलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन दोगे उसके थ्रू आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और 18 से 35 साल के एज लिमिट है और इसके अंदर 10th पास बंदा होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि इनका काम क्या है, इनको ट्रेन करना है ताकि यहाँ पर बाद में जॉब कर सके। अब ये किसका पार्ट है, उसी की एक्सटेंशन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 2015 में गवर्नमेंट ने बोला यार इतनी यूथ है, इनको हम ट्रेन करेंगे ताकि बहुत सारी इनको जॉब मिल सके, इसलिए 2015 में ये स्किल डेवलपमेंट का काम हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री कौन सी है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब यूपीएससी वहाँ पे MSME लिखते हैं कि थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि जब हम जल्दी से पढ़ते हैं हमें पता होता है, क्वेश्चन पढ़ा कि हमें पता होता है ये हमें आता है, अब ऑप्शन हम ध्यान से पढ़ते नहीं, वहाँ पे गलती हो जाती है। अब इसका काम था कि 40 करोड़ जो लोग हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट स्किल के अंदर, अगर आपने देखा होगा बहुत से कौशल के इंद्राज खुले हुए हैं ना अलग अलग जगह पे, ऊपर इनको ट्रेनिंग दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग से लेकर सर्टिफिकेशन भी मिलती है, उसके बेसिस के ऊपर बाद में जॉब के चांसेस हैं। 2015 में 0.10 निकाला 1.0 निकाला गया, ठीक है जी। इसके अंदर क्या बोला गया कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम ट्रेनिंग देंगे आपको, ठीक है जी। यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेशन भी मिलेगा क्योंकि किसी ने स्किल ली है तो उसको भी सर्टिफिकेट तो मिलेगा है ना, तो उसी के बेस के ऊपर बाद में जॉब में आसानी रहती है। अराउंड 19.85 लाख इन्होंने ट्रेन कर दिए। 2.0 आया बाद में 2016 से लेकर 20 तक। इसके अंदर इन्होंने क्लब करती है, जैसे स्वच्छ भारत है उसके साथ भी, कि उसके अंदर अगर कोई स्किल डेवलपमेंट की चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। डिजिटल इंडिया के अंदर भी, मेक इन इंडिया के अंदर भी उनके साथ क्लब कर दिया और दोनों का रिजल्ट निकला अराउंड 1.2 करोड़ यहाँ पे ट्रेन कर दिए गए। 3.0 ऑल दो ये 2020 के अंदर जो 2.0 निकला ख़त्म हुआ था उसी के साथ ये शुरू हो गया था 3.0। यहाँ पे भी क्या है 8 लाख को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा। डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बनाएगी, मतलब जैसे पहले ट्रेनिंग दी थी है ना बहुत सारे लोगों को, अब हो सकता है कि उसके रीजन के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस ही ना हो, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम सेट करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताए कि कौन सी चीज़ की डिमांड है और कौन सी वो सप्लाई वहाँ पे किस बेस के ऊपर वहाँ पे स्किल जो है दी जा सके ताकि वहाँ पे उसकी जो डिमांड है फुलफिल की जा सके। ठीक है दोस्तों, ये इसके बेस के ऊपर काम हुआ। अब पर्ल फार्मिंग की बात करते हैं। देखो ऑयस्टर के अंदर पर्ल फार्मिंग होती है, ये यहाँ पे ईजी नहीं है। मान लीजिए आपने ऑयस्टर वहाँ से निकाला, ठीक है, ओशन से, उसके अंदर उसकी स्किन के अंदर कट लगाया जाता है, उसके बाद वहाँ पे एक फॉरेन बॉडी उसको वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। जैसे ये उसकी स्किन के अंदर इंसर्ट हुई फॉरेन बॉडी यहाँ पे, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे पर्ल जो है पूरा फॉर्मेशन होता जाता है, उसके बाद उसको निकाला जाता है। तो इतना इजी नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि इसकी पर्ल फार्मिंग करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, और जब इसको इतने सालों तक रखा जाता है उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि वहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेशन हो या नहीं। तो अभी ट्राइफेड जो है उसने क्या किया है, झारखंड की जो बेस्ड प्योरिटी एग्रोटेक है उसके साथ मिलके पर्ल फार्मिंग को जो ट्राइबल पॉपुलेशन या एरियाज़ के अंदर उसको प्रमोशन की को स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कैसे प्रमोशन की जाएगी, वनधन विकास केंद्रास जो क्लस्टर्स हैं उनको बनाया जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे जो पर्ल फार्मिंग के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओनली जेमस्टोन है जो हमारा लिविंग क्रिएचर से आता है। जापान जो है, जापान इसके अंदर वन ऑफ दी मेजर प्रोड्यूसर है और इंडिया भी अराउंड तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखने को हमें मिलता है अलग अलग रिपोर्ट के, थोड़ा बहुत मतलब टॉप 5 के अंदर आप मान के चलो कि इंडिया भी यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। अब वनधन विकास जो केंद्रास हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे क्या है कि जो भी वन और धन, ठीक है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्पेशली उसको एक जगह के ऊपर इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पे उसकी मार्केटिंग होती है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो मिलके ये बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा इसको प्रमोट किया जाए। ट्राइफेड क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर है। इसका काम क्या है, मार्केट डेवलप करना ट्राइबल प्रोड्यूस की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, इसके बाद बात करते हैं। देखो आपको मान लीजिए अब ये डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती। यहाँ पे यूपीएससी के अंदर बहुत ही प्री के अंदर चांसेस हैं कि आपको एक कंटेक्स्ट के अंदर पूछा जाए कि जो मेजॉरिटी है वहाँ पे आपको रिलीजन के अंदर, लेकिन उसका भी बहुत कम चांसेस है। ठीक है, हाँ, लेकिन मेंस के अंदर आपको इनडायरेक्टली वो घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके अंदर बताओ कि उसका रीज़न क्या है ना। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है, हमने बहुत सी चीज़ें बोली कि एक तो ये बोला गया कि मुस्लिम जो हैं उनके अंदर जो फर्टिलिटी रेट है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस रिपोर्ट ने वो भी बता दिया कि नहीं वो भी डिक्लाइन है और हिंदूज़ के अंदर भी डिक्लाइन है, तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा उनके अंदर फ़र्क नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जो पॉपुलेशन है मुस्लिम की उसका भी जो और नेशनल ग्रोथ रेट है उसका भी जो गैप है वो नैरो हुआ है, इट मीन्स कि वो भी कम हुई है। क्रिश्चियन के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिला है, और जो 6 मेजर जो रिलीजियस ग्रुप हैं उनके अंदर एब्सोल्यूट नंबर के अंदर थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिली है, एक्सेप्ट पारसीज, इनका जो टोटल नंबर है वो डिक्रीज़ हुआ है। अगर हम बात करें माइग्रेशन की, ठीक है, बाकी जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से इंडिया के अंदर माइग्रेशन हो रही है, उसका भी इसने बोल दिया कि उसके अंदर इंडिया के अंदर जो रिलीजियस कंपोजिशन है उसके अंदर कुछ खास हमें चेंज देखने को नहीं मिला। ये आपने ध्यान रखना है प्री के लिए भी। रिलीजियस कन्वर्जेशन, यहाँ पे बोलते हैं कि जो एक घर वापसी वाला या कुछ ऐसा है ना कि एक रिलीजन से दूसरी रिलीजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, ये रिपोर्ट बोलती है भाई उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क ही नहीं है, 98% वही है जो उनका स्टार्टिंग के अंदर था। अब ये वाला यहाँ पे देखो मुस्लिम्स हैं, अब इनके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन अ वुमेन एक्सपेक्टेड तो 4.4 थे 1992 के अंदर, उसके बाद अब 2.6 हैं, मतलब डिक्रीज़ हुआ। तो ये पॉजिटिव स्टेप है। हिंदूज़ के अंदर 2.1 है, क्रिश्चियंस के अंदर 2 हो गए है ना, बुद्धिस्ट के अंदर 1.7 है, एंड देन सिख के अंदर 1.6 है, एंड जैन के अंदर 1.2 है। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है जहाँ पे हम जो डेवलप कंट्री के अंदर जैसे होता है वो होता है। लेकिन इस रिपोर्ट ने एक और चीज़ यहाँ पे कंसर्न शो किया है दोस्तों, वो कंसर्न क्या है? पहली बात दोस्तों ये है कि जो सन है उसको प्रेफर किया जाता है डॉटर के ऊपर, है ना। इसके चक्कर में जो है कि जो जैसे मान लीजिए आपने जो भी टेस्ट वगैरह करवा दिए है ना सेक्स सिलेक्शन के लिए, तो उसके बाद में अबॉर्शन हो जाता है और वो मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं। इसकी वजह से वो कहते हैं कि एक तो थोड़ा सा कम हुआ है। दूसरी बात, इवन जो आपके इकोनॉमिक सर्वे ने सन मेटा प्रेफरेंस बोला था, सन मेटा प्रेफरेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है, वहाँ पे पहली गर्ल चाइल्ड है, दूसरा भी गर्ल चाइल्ड है, तो जब तक जैसे मान लीजिए यहाँ पे तीसरा सन है, सॉरी मेल चाइल्ड है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मेल चाइल्ड है यहाँ तक वो काम ख़त्म कर देते हैं, मतलब कि जो ये पहली 2 गर्ल चाइल्ड है ये उसने बोला अनवांटेड गर्ल्स है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने जो सर्वे किया था यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो मेजर जैसे प्राइवेट स्कूल है तो ये मेल चाइल्ड जाएगा, गर्ल्स सरकारी स्कूल पढ़ रही हैं, तो न्यूट्रिशन जो है वो मेल चाइल्ड को ज़्यादा मिलता है, गर्ल्स को नहीं मिलता। और ये एक डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे, एक हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड सन मेटा प्रेफरेंस। समुद्रा शक्ति एक्सरसाइज क्या याद रखना है इसके अंदर, आपको पता ही है समुद्रा शक्ति के अंदर इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में रिसेंटली, ठीक है, कंट्री का नाम याद रखना है, और सुंडा स्ट्रेट के अंदर हुई, ये याद रखना है, रख लेना, अदरवाइज भूल भी जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा और एक्सरसाइज कौन सी है? कॉर्पोरेट है इंडिया इंडोनेशिया, शक्ति है इंडिया फ्रांस, गरुदा शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, उसके बाद बात करें मित्रा शक्ति इंडिया श्रीलंका, हरिमाऊ शक्ति इंडिया मलेशिया, ये आपने ध्यान रखने। और ये आपको पता ही है सुंडा स्ट्रेट है, ठीक है, सुमात्रा जावा के बीच में होती है, और ये स्ट्रेट ऑफ मलाका जो इंडोनेशिया मलेशिया या सिंगापुर के बीच में आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे सन मेटा प्रेफरेंस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र, दीज आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है जी। इट्स अ डेली न्यूज हाउ आर सम प्रीलिम पॉइंट्स माइट गेट रिवाइज थ्रू कंटेंट, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। पारुल ने पूछा है यूपीएससी 2021 2021 एंड 22 ये दोनों सालों के लिए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कोई अपना इशू नहीं है। बैक्टीरिया मुस्कान, मुझे बैक्टीरिया का नाम बताओ। बैक्टीरिया तो है वो मैंने बताया आपको, हमने बैक्टीरिया का नाम। बागेश्वरी बोल रहे हैं सर डीएनडी के इंडेक्स में कंट्रोल एफ नहीं होता है, मैं देख लूँगा, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है जी। सो कोई बात नहीं।